साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे सिंगापुर में जॉब अप्लाई कैसे करें, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि सिंगापुर में वीजा कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह में किस तरह के जॉब मिलते हैं आपको, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि सेकेंड पार्ट में वीडियो बना के लेके आऊंगा जिसमें आप फ्री में बिना पैसे वीजा अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो भी जेन्युइन तरीके से, उसमें कोई चीटिंग और आपके साथ फ्रॉडबाजी नहीं होने वाली। क्योंकि जिस वेबसाइट पे आप शुरुआत करोगे वो गवर्नमेंट ऑथराइज वेबसाइट है, तो वहां पे कोई चीटिंग होने का चांसेस नहीं रहते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो फेक कॉल नहीं आते हैं, जैसे इंडिया से फेक कॉल आते हैं ना, वहां से जेन्युइन कंपनियों के ऑर्गेनाइजर जो भी आपको अपॉइंटमेंट आपका करना चाहता है, आपको वीजा देना चाहता है, आपको जॉब देना चाहता है, वहां से ही आपके पास मेल आएगी जेन्युइन तरीके से, जिसमें आपको बाकायदा कंपनी का प्रोफेशनल जिसको मेल बोलते हैं उसी से मेल आती है, फेक आईडी से मेल नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखें। सिंगापुर में जॉब अप्लाई कैसे करें, खासतौर में बता दूं विजिट टू वर्क तो भाई सिंगापुर में बिल्कुल अपराध है, अगर आप जाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, प्लस आपको कोड़े भी लग सकते हैं, ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं, सिंगापुर लाइफ टाइम फिर नहीं जा सकते अगर आप विजिट टू वर्क में काम करते हुए पकड़े गए तो, की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे बात बता दूं साथियों, सिंगापुर में फर्स्ट टाइम इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है कि फर्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में सबसे ज्यादा वहां पे कोटा निकलता है, जो जनवरी से शुरुआत होती है फरवरी तक वो जितने भी कंपनियां जिनको जैसे किसी को 10-20, 100-200 आदमी लेने होते हैं वो फरवरी तक फाइनल कर लेते हैं अपने कोटा के हिसाब से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जनवरी फरवरी में आप अप्लाई कर लीजिए, अभी जनवरी चल रहा है फरवरी आने वाला है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो आपको ऑनलाइन घर बैठे जॉब मिल सकता है बिना पैसे, बिना एजेंट के, एजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, भाई एजेंट तो पैसा खाते हैं, पैसा खाने के बाद भी काम करवाते तो अच्छी बात है लेकिन काम नहीं करवाते, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक बढ़िया लुकिंग में आपको सीवी बनानी होगी जिसमें नाम पता एड्रेस आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन वगैरह सब है, अच्छी सी एक फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज की चिपका के सीवी आपको बनाना होगा। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, क्योंकि सीवी आपको अपलोड करनी पड़ेगी जो मैं साइड बताऊंगा उस साइड पे, ठीक है साथियों। अच्छी सी आपको सीवी बना के ये सर्विस M1 सिंगापुर साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये साइड का लिंक मैं डाल दूंगा, स्क्रीन नीचे भी डाल दूंगा, आप उस साइड पे जाके ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस साइड पे जाके आपको जो सीवी आपने बना रखी है वो सीवी अपलोड, जैसे ये खोलोगे ना इसमें एग्जिट होगे तो इसमें सीवी मांगा, आपसे सीवी मांगी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जितनी भी डिग्री है, जितने आपके पास डिप्लोमा है, जो अनुभव है, जो प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है वो सब इसमें आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है साथियों। इसके बाद में अपलोड आपका हो गया, कुछ नहीं करना, आपको वेट करना 10-15 दिन 20 दिन, महीना, दो हफ्ते से लेके दो महीना तक इसमें लग जाता है, ठीक है साथियों। इसमें आपको पता लग जाता है कि आपकी स्किल के हिसाब से आपको इतनी जॉब वगैरह मिल जाती है, इतनी तनख्वाह मिल जाती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें आप हो जाओगे रजिस्टर्ड, इस साइड पे आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करेगी, ये नहीं कि आप फेक डॉक्यूमेंट डाल दोगे भाई, जैसे आपके पास मार्कशीट है BA की, MA की मार्कशीट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए, JNV से किए, तो वहां बाकायदा इस साइड पे चढ़ावा सब कुछ मिल जाएगा, फेक नहीं चलेगी, एकदम ओरिजिनल जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ये बैकग्राउंड में जाके जांच करते हैं, ये नहीं कि आपने डाल दिया वो हाँ जी आ जाओ हमारे पास जॉब है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 100% ओरिजिनल होगा। ये वेबसाइट आप खोल के देखोगे सब कुछ दिखाई देगा, इतनी शानदार वेबसाइट है कि पूरे वर्ल्ड की इसके पास डाटा पड़े, आप इंडिया में किसी से भी आपने FDMA किया ना और आप इसमें डिग्री डाल देना, वो अपने आप चेक कर लेंगे कि आपकी डिग्री ओरिजिनल है या नकली या फेक है, ठीक है। तो नकली डालने की कोशिश ना करें, आपने यहाँ पे अपना सिस्टम पूरा डाल दिया, आपको वेट करना है 10 दिन 20 दिन, महीना, दो महीना, डेढ़ महीना तक, ठीक है सर। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये दो तीन चार मैं साइड बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इस साइड पे आपको जैसे जॉब स्ट्रीट ये एक साइड हो गई, ठीक है, INNEET.com ये एक साइड है, ठीक है साथियों। ये दो तीन चार मैं साइड आपको डाल दूंगा, इसमें वीडियो में भी लिख के डाल दूंगा, यहाँ तो शायद हो सकता है समझ में नहीं है, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, ये इस साइड को ओपन करोगे तो ये आपसे अपने सीवी डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे अपलोड किए थे वो यहाँ पर भी आपको करने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रिलैक्स होके बैठ जाना है, ठीक है, महीना दो महीना वेट करिए, कहीं ना कहीं से 100% आपको रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। इसमें मैं बता दूं, इसमें आप जैसे इसमें डालोगे, मैं फिर इसी पे आ रहा हूं, इसमें आप डालोगे एलिनाइज आपको करना होगा कि भाई आपका ई पास है, जॉब आपकी सैलरी कितनी लगेगी,
इस साइड पे साथियों आपको जैसे ये सीवी वगैरह टोटल अपलोड कर दोगे तो इसमें एनालाइज आपको करना है कि आप कौन से जॉब के लायक हो। तो यहाँ पे ई पास में जॉब कैटेगरी सब कुछ लिखा आएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो सैलरी $5,000 से ऊपर आपको इसमें बाकायदा लिखा आएगा कि इतनी सैलरी के लायक आपका जॉब मिल सकता है, ठीक है। फिर एस पास आपको जॉब में आप देखोगे तो इसमें $2,500-$3,000 तक इसमें जॉब कैटेगरी वो लिखा आएगा जॉब के हिसाब से, ठीक है साथियों। ये है वर्क परमिट। इसमें जैसे आपका ये निम्न स्किल जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए होता है, तो इसमें यहाँ से साफ साफ लिखा आएगा कि इतनी सैलरी का आपको जॉब मिल सकता है। इसके बाद में यहाँ पे जो जॉब जॉब साइट है, चार जॉब साइट में डाल रहा हूँ, तीन चार, यहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। ये सब ऑनलाइन होगा भाई, ऑनलाइन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको नहीं आता तो आप ई मित्र पे जाके वहां से आप करवा सकते हैं या मोबाइल से जो भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये है वेबसाइट, ये जो साइड में बता रहा हूँ ये जॉब प्रोवाइड करवाती है, ये आपके पास इनका कॉल नहीं आएगा, इनके डाटा, ये डाटा भेजती है संबंधित कंपनियों में, ठीक है। जैसे इनके जैसे सिंगापुर में कंपनियां हैं तो ये उनके पास भेजती है, वहां से फिर आपके पास मेल से या कॉल से आएगा। बाकायदा आपको स्काइप इंटरव्यू आपका देना पड़ेगा, वहां से पूछा जाएगा भाई आप इंटरव्यू के लिए कब अवेलेबल हो, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको पास होना जरूरी है, मैं बता दूं आपको, इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा भाई, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो फिर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इंग्लिश आने आपको जरूरी है। अब कई लोग कमेंट करेंगे इंग्लिश नहीं आती, तो भाई इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश कंट्री में आप कैसे जा सकते हो, फिर तो एजेंटों के धक्के खाओ, वो आपका क्या करते हैं आपको पता है। अगर आप खुद ऑनलाइन घर बैठे जॉब लेना चाहते हो तो काम तो इंग्लिश में करना पड़ेगा। डायरेक्ट वहां से कॉल आएगा आपके पास में जिस कंपनी को आपकी नीड है जॉब के हिसाब से, फिर आपका अगर आप यस हो जाते हो तो वहां से कंपनी खुद वीजा भेजेगी, खुद टिकट भेजेगी, सब कुछ कंपनी का खर्चा होगा, आपका कोई पैसा एजेंट को नहीं देने की जरूरत। मैंने प्रोसेस एकदम इजीली बताया, हो सकता है देखने में हार्ड लगे लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो इस तरह के जॉब आपको बिना पैसे मिल सकते हैं, कोई एजेंट की दलाल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बिना पैसे खर्च किया विदेश सिंगापुर जाने का आपका सपना पूरा हो सकता है। तो साथी मेरे हिसाब से मैंने पूरी बातें बता दी हैं, फिर भी अगर कोई बात पूछनी हो तो मुझे व्हाट्सअप कर ले, मैं आपको और इंक्वायरी देने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह की नई टॉपिक पे नई जानकारी लेने के लिए चैनल को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर रोज इसी प्रकार के टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।